कोई भी भक्तगण अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनकी अगर आत्मा हरिद्वार महाकुंभ पर्व पे अगर उनकी लक्ष्य है कि मैं वहाँ पहुँचूँ तो उनकी आत्मा वहाँ पहुँच गई। इनका उद्देश्य क्या रहता है, इनका मेन मकसद क्या होता है, हमें अग्नि तप करने से क्या फायदा हो सकता है? और हमारा जो है तप करने का एक मूल सिद्धांत होता है, जैसे आपके बैंक में पैसे रहेंगे तब तो आप किसी को निकाल के दे सकते हैं। अगर बैंक में पैसे नहीं रहेंगे तो जीरो बैंक में तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं, साथ साथ साधु संतों का दर्शन करवा रहा हूं, उनके आशीर्वाद दिलाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और साधु मेरा उद्देश्य इस बुलेटिन को साधु संतों के विशेष एपिसोड में ये है कि साधु संतों की त्याग तपस्या से आपको रूबरू करवा सकूँ और सनातन धर्म की कैसे साधु संत हमारे रक्षा कर रहे हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। साथ साथ ये भी मैं जानकारी दूंगा और जो आज की सनातन धर्म किस प्रकार बचा हुआ है और किन की बदौलत है ये सब आपको पता है, फिर भी बता देता हूँ। आज हमारा भारतवर्ष या सनातन धर्म इन साधु संतों की वजह से ही बचा हुआ है, इनको हम मानते हैं। और सभी से मेरी एक तरफ से निवेदन करूँगा, मेरे पर्सनल रिक्वायरमेंट की तरफ से कहूँगा, जनता की आवाज़ की तरफ से, साधु संतों का या हो गुरु के घर हो, बहन के घर हो या मंदिर, कभी खाली मत जाना। सभी से ये निवेदन करूँगा, खाली मत जाना। बाबा जी पहली मेरी तरफ से, मेरी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंद लीजिए, ठाकुर जी सदा रक्षा करें। बाबा जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम है मदन मोहन दास और लाल कपड़े पहनने की वजह से इस संत समाज अपने को लाल बाबा के नाम से विख्यात जानते हैं। जैसे कि लाल बाबा के नाम से जाने जाते हैं और आप, हमारा सौभाग्य है कि आप सभी दोस्तों का सौभाग्य है कि आज हमें लाल बाबा से मिलने का, लाल बाबा का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। बाबा जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी घोर तपस्या कर रहे साधु संत, चारों तरफ से अग्नि जल रही है, बीच में ये तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या को क्या नाम दिया जाता है? देखिए ये तप करने का साधन है, ये तपस्या अग्नि तपस्या है, ये सनातन से चला आ रहा है। पहले इसको सप्तऋषि सनत सनातन सनत कुमार सनातन ये इसको तपस्या किए, ये सतयुग से चला आ रहा है तपस्या। एक गुरु के द्वारा हमको तप मिला, ये हमको अगर हम इसको हठ योग कहें, ये 18 साल के कोर्स होते हैं, ये बसंत पंचमी से धूनी उठती है, इसको धूनी का नाम दिया गया है, धूनी तपस्या। पहला बसंत पंचमी से पंच धूनी उठते हैं, वो 3 साल चलता है, फिर 3 साल के बाद में ये सत धूनी दो और बढ़ जाते हैं, सत धूनी के नाम से आता है, फिर वो 3 साल चलेंगे, फिर द्वादश धूनी मतलब 12 धूनी का वो चलेगा, वो 3 साल चलेंगे, फिर 84 धूनी चलेगा, वो 3 साल चलेंगे, फिर कोट चलेगा 3 साल, फिर कोट खप्पर सर पे मटके, सर पे मटके अग्नि में जलते रहेंगे, वो 3 साल चलेंगे। बसंत पंचमी से ये चालू होंगे, स्टार्ट होगा, जेठ के गंगा दशहरा को इसका पुण्यावती किया जाएगा, अर्थात समापन किया जाता है। ये हम 18 साल का ये हमारा कोर्स है। तब अग्नि तप, हम अग्नि में तपस्या करते हैं, हम इतना जितना इसको कर सकें, जितना तप कर सकें अग्नि में, अग्नि में मेरे को कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, शांतिपूर्वक हम तप करते हैं। बाबा जी जैसे आपने बताया घोर तप अग्नि तपस्या करते हो आप, इनका उद्देश्य क्या रहता है, इनका मेन मकसद क्या होता है, हमें अग्नि तप करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? अग्नि तप करने से फायदा यह है, हमारा सनातन धर्म जो है स्वच्छ और धर्म पर निर्भर अपना रहेगा। और हमारा जो है तप करने का एक मूल सिद्धांत होता है, जैसे आपके बैंक में पैसे रहेंगे तब तो आप किसी को निकाल के दे सकते हैं। अगर बैंक में पैसे नहीं रहेंगे तो जीरो बैंक में तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं। इसी तरह से हमारा तप का एक जब मूल रहेगा तो कोई भी भक्त अगर अपने पास में आता है तो हम उसको सदा सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। इसके बदौलत में आप मेरे दर्शकों को मुझे कुछ आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा आज। हाँ, हम अपनी बाणी से जितने भी ये चेहरे को संत टीवी पर भक्त अगर ए चेहरा को संत को अगर दर्शन करते हैं
तो हम उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि धर्म धर्मो रक्षति रक्षतः, वो धर्म को पहचाने, सत्य पे चले, सत्य में उजयते। सत्य का दूसरा नाम है ठाकुर जी का, परमात्मा का नाम है। सत्य को पहचानते रहें। और हमारा चार सिद्धांत होते हैं, जो हर एक मनुष्य को चार सिद्धांत अगर वो अपना ले तो जीवन में उसको कोई कष्ट नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है? पहला सिद्धांत यह है कि हमारा धर्म क्या है, दूसरा हमारा लक्ष्य क्या है, फिर हमारा सिद्धांत क्या है, फिर हमारा ध्येय क्या है। अगर ये चार वस्तु को अगर हम ये समझ जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। हमारा पहला धर्म यह है कि हम जीवों पर दया करें, गौ माता को हम अपनी जो है कि अपनी माँ मान के उनकी सदा रक्षा करें। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर में एक बहुत बड़ा पोल हो गया है, ये शायद आप भी जानते हैं कि जब तक गौ माता धार देती हैं, दूध देती हैं, जब तक उनकी वो सेवा करते हैं, जब वो धार देना बंद करते हैं तो उनको ठल छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं, जो कि वो जनता की मार खाती है। इससे हमारी धर्म का पतन होता है। अगर हम अपनी माँ को निकाल दें घर में से तो कितना कष्ट मिलेगा। आज के टाइम में तो ऐसे शहरों में मिल रहे हैं कि माता पिता को अनाथ आश्रम में या वृद्ध आश्रम में रख रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है आज के टाइम में। ये हमारी भारतीय संस्कृति की ढोल है, ढोल के अंदर पोल होता है। अगर हम जिस तरह से अपनी माँ, सुमन कुमार भी तो अपनी माँ बाप को कंधे पर ले जाके यात्रा कराए। ये कोई जरूरी नहीं है कि भक्ति जो है वृद्धापन में करना चाहिए। ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी को प्रकट किया है, और प्रहलाद, मीरा, ये कोई नहीं प्रमाण है कि ठाकुर जी हमको मंदिर में ही मिलेंगे। ठाकुर जी हमको खंभे में भी प्रकट हो जाएंगे, प्रहलाद ने करके दिखाया है। हम में तुम में खड़ खम में सर्वत्र व्यापेरा। तो जहाँ भी अगर हमारा श्रद्धा हो गया कि हाँ ठाकुर जी हैं, वहाँ पे ठाकुर जी हैं, मानो तो देव, मानो तो देवता है। अगर हम आपको मानते हैं कि आप जो है ये भेष बदल के कुंभ में आए हैं, हो सकता है ठाकुर जी का कोई अंश हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये इतने संत के अंदर में देवता भी रूप बदल के आ सकते हैं, इसीलिए तो संत का दूसरा नाम है परमात्मा। संत ही ये भेष ठाकुर जी का है, परमात्मा का भेष। बाबा जी एक छोटी सी मैं बात जानना चाहता हूँ, मुझे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज के संसार के जीवन का जो पढ़े लिखे होते हैं जैसे कह रहे हैं उनके मन की भ्रांतियाँ होती है, वो मैं सवाल करना चाहता हूँ। कह रहे हैं आज के टाइम में कुछ ज़्यादा साधु संत जो होते हैं पाखंडी भी दिखाई देते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में कहना चाहते हैं कि ये जो हाथ की जो देखिए 5 उंगुलियाँ हैं, ये 5 उंगुली बराबर तो नहीं है। हर एक इंसान मुंडे मुंडे मतिर भिंडे जितनी खोपड़ियाँ होती है उतना दिमाग होते हैं। जो विद्वान है ना, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो सूर्य और चंद्रमा को ठाकुर जी का स्वरूप नहीं देता है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उनका स्क्रू जो है होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है। उनकी स्क्रू क्या होती है, डाउन हो जाती है। पढ़ने लिखने का उनको अंदर से अभिमान हो जाता है। जब अभिमान आ जा गया है तो ठाकुर जी बोलते हैं जहाँ हम वहाँ हम नहीं है। जहाँ ठाकुर जी अभिमान को भक्त नारद जी को अभिमान हुआ, हमने काम को जीत लिया तो उनका अभिमान को ठाकुर जी ने तोड़ दिया है। तो जहाँ ठाकुर जी के अभिमान आ गया, अहंकार हो गया, वहाँ ठाकुर जी नहीं है, वहाँ तो राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है। एक जैसे एक उदाहरण के तौर पर है, एक कमरा है, एक मकान है, उसके अंदर में लाइट ऑफ कर दिया जाए तो पूरा अंधकार हो जाता है। तो इतने बड़े अंधकार के कमरे को खाने के लिए जो है एक ज्योति का लौ ही काफ़ी होता है। ज्योति का लौ जो है पूरे अंधकार के कमरे को खा जाती है। ठीक उसी तरह से ज्ञान रूपी स्वरूप को जो है कि मतलब अंधकार रूपी जीवन को खाने के लिए ज्ञान स्वरूप ही काफ़ी है। बाबा जी जैसे ये दोनों में जो बैठे हैं साधु महात्मा, ये बीच में बात नहीं करते क्या? नहीं, अगर हम इसमें बात करेंगे, अगर हम इसमें बात करेंगे तो हम तब क्या करेंगे? हम हमारा लक्ष्य वही है, लक्ष्य सिद्धांत हमने जो बात किया वही उनका बात होती है और कुछ नहीं, वो किसी से बात नहीं कर सकते। देखिए ये जो कोरोना वायरस चल रही है, इसके अंदर में जो भक्तगण महाकुंभ हरिद्वार
के अंदर में पावन पर्व पे नहीं आ सकते हैं और नहीं आ पाए, वो उनकी आत्मा का लक्ष्य अगर महाकुंभ में सिद्धांत है तो वो महाकुंभ में वो आ गए इस वीडियो के माध्यम से आ गए और अपनी आत्मा के द्वारा आ गए। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि जब कन्हैया ने महाराष्ट्र किया तो गोपी के पति ने उस अपने पत्नी को गोपिका को कमरे के अंदर में बंद कर दिया ताकि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो उसकी शरीर पूरा हो गई, उसका शरीर का अंत हो गया और उसकी आत्मा कन्हैया के पास पहुंच गई और उसकी आत्मा महाराष्ट्र किया। इसलिए यहाँ कोई भी भक्तगण अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनकी अगर आत्मा हरिद्वार महाकुंभ पर्व पे अगर उनकी लक्ष्य है कि मैं वहाँ पहुँचूँ तो उनकी आत्मा वहाँ पहुँच गई, समझ गए। जैसे बाबा जी ने कहा इस वीडियो के माध्यम से आप पहुँच चुके हो, दर्शन कर चुके हो। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर खाटू गंगा मैया की जय। धन्यवाद बाबा जी।